दोस्तों अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और ये ऑल नोटिफिकेशन को ना प्रेस कर देना, ये ठीक है, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना दोस्तों। आप लोग अपना फ़ायदा निकाल लेते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, हमारी प्रॉब्लम देखते नहीं हो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो को शेयर कर लेना और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अर्लीवुड को भी सपोर्ट करोगे तो ही ना ये आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आएगा, अच्छी अच्छी जानकारी लेके आएगा, तो इसीलिए शेयर जरूर कर लेना दोस्तों। अब इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का आपको सबसे बड़ी जानकारी हम आपको एडवांस में ही देने जा रहे हैं। और एडवांस में ही सारे चीज़ अर्लीवुड पर एडवांस में ही चलती है, ठीक है। तो अब आप देख लो जो थंबनेल में आपने देखा गुड न्यूज़, और वो कौन सी गुड न्यूज़ है, आने वाले कल का। आने वाले कल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आने वाले कल का मतलब हो गया जो 1 सितंबर 2020 की न्यूज़ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और वो भी गुड न्यूज़ बताएंगे जिनसे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और दिल खुश नहीं हुआ तो 100% गारंटी पैसा वसूल, ठीक है। तो इस बात की पूरी गारंटी है इस वीडियो में, जो आपका दिल खुश हो जाएगा। और 3-4 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देख लेना। यदि आपने इस वीडियो को 1x 2x 3x करके देखा और आप वीडियो को बीच में छोड़ोगे तो अब ये सोच लेना आपको मॉनिटर मिल ही नहीं सकता, ठीक है। आपको मॉनिटर नहीं मिलेगा यदि वीडियो को बीच में छोड़ोगे तो, यदि मिल जाएगा तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। यदि वीडियो को बीच में छोड़ने वाले को नहीं मिलने वाला मॉनिटर, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, थंबनेल में आपने देखा गुड न्यूज़ आने वाले कल का, मॉनिटर 3.0 एक्सटेंशन यानी 1 सितंबर से क्या होने वाला है, और आज ही जान लो एडवांस में, हम आपको एडवांस में बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपको मालूम है बहुत बड़ी तगड़ी केस चल रही है, और जीडीपी के जिस केस का जीडीपी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रखती है, ठीक है। तो अब आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या केस चल रही है आपको मालूम ही है, ठीक है। दूसरी क्या चीज़, जितनी भी कितने लगभग मुझे तो लगता है 40 से 50 PIL डले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट सारे केस पे, सारे PIL का जवाब जो है, सारे PIL पे जजमेंट, सारे PIL पे ऑर्डर, सारे PIL की सुनवाई 1 सितंबर 2020 को करने वाली है, यानी कि कल के डेट में होने वाला है दोस्तों। और इन सभी PIL को देखते हुए भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने बोला, हुजूर हमें 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। क्यों टाइम दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई थी। क्यों लगाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब सरकार किसी कारण से नहीं दे पाई, ठीक है। जिस भी जो कोई भी कारण रहा हो, आखिर जवाब नहीं मिली, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता साहब ने बोला मुझे 1 सप्ताह, हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए और हम RBI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेहता ने तर्क दिया कि बहुत सारी समस्या का समाधान एक जैसा हो ही नहीं सकता, और ये जो समस्या चल रही है इन समस्या के लिए मुझे 1 सप्ताह का टाइम दीजिए और हम अपने क्लाइंट का जो रिप्लाई है वो लेकर हम 1 सप्ताह में हाजिर होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में, ठीक है। तो अब जो इसकी सुनवाई कब होगी दोस्तों, कल के डेट में है, कल यानी आने वाले कल जनाबे आली। तो अब आप ये देख लेना कल आने वाला, कल क्या कुछ होने वाला, अभी हम बता देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता साहब ने जवाब मांगा 1 सप्ताह का, और 26 तारीख को, 26 और 7 कितने हो गए जोड़ लो, लगभग आपको 7 दिन, 1 वीक 1 सितंबर को कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यानी 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से जवाब, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल मीटिंग भी कर रही है, और हाई लेवल की बैंकों के साथ में जितने भी लोन प्रोवाइडर हैं, बैंक हैं, NBFC हैं, लोन ऐप है, सभी के साथ में हाई लेवल काफ़ी पावरफुल मीटिंग होने वाली है। कब होने वाली है बताओ कब होने वाली है, 3 सितंबर को, 3 सितंबर यानी कब, बृहस्पतिवार को, समझ गए बात को। अब इसी चीज़ में इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा दोस्तों, जो RBI की जो रिजोल्यूशन प्लान है, रिजोल्यूशन पैकेज है, इस पैकेज का इसमें समीक्षा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। इस रिव्यू में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, जो इसमें यही पॉइंट निकल के सामने आएगा, 9 नंबर पॉइंट, ठीक है ना,
जो जिसको मोरिटोरियम चाहिए मोरिटोरियम और जिसको रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन 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 इसमें कंडीशन यह है, जो लोग परेशान हो रहे हैं इसमें मुझे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तब बैंक अपनी मनमानी कर सकती है इस पॉलिसी के अनुसार। तो आरबीआई और सरकार ये बोलेगी सभी बैंकों को जो देखो आप लोग इस तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से काम नहीं करना है, और सुप्रीम कोर्ट में जवाब ये देगी। जो ब्याज माफ़ी वाला भी तो केस इसमें अटैच है, तो ब्याज माफ़ी पर आपने क्या कहना है, ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रही है उस पर सरकार ने क्या कुछ डिसीजन किया है। तो यही चीज़ सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में समस्या यही है, जो ब्याज माफ़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा परेशान है, और क्योंकि लोगों को तंगी ज़्यादा है परेशानी ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ब्याज माफ़ी पर 50% मेरे अनुसार 50% 50% ब्याज माफ होने की संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना है। ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रहा है इसकी 100% गारंटी लग रही है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज माफ़ हो जाएगा। मोरिटोरियम एक्सटेंशन को लेकर भी कपिल सिब्बल साहब ने जो डिमांड किया था, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है तब तक ये इस मोरिटोरियम को बढ़ा दिया जाना चाहिए। ये मैंने क्या बोला, जब तक चल रही है तब तक, यदि इस पे फैसला पहले ही हो जाए, यदि ये इस पे जवाब आ जाती है कल ही यानी 1 तारीख को, तो एक्सटेंशन ये ऑटोमेटिक 1 तारीख को हो जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट कर गेंद किसके पाले में, सरकार के पाले में, अब सारी चीज़ यानी कुछ ना कुछ सरकार निकल खुशखबरी निकल के सामने आएगी कल के डेट में दोस्तों, जो आप लोगों के लिए ये देख लेना, ब्याज माफ़ी के ऊपर भी फैसला आने वाला है और दूसरा क्या मोरिटोरियम एक्सटेंशन के ऊपर भी। तो अब आप ये देख लेना, जो ब्याज माफ़ी का तो फैसला आएगा ही, ब्याज के ऊपर ब्याज माफ़ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उस पर 50% यानी ब्याज के ऊपर ब्याज इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है, और दूसरा मोरिटोरियम एक्सटेंशन का तो मोरिटोरियम एक्सटेंशन भी होने की संभावना ही नहीं, सरकार ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और सरकार काम स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आप निर्मला सीतारमन जी के स्टेटमेंट से भी देख सकते हो। और 3 सितंबर को जो हाई लेवल मीटिंग है बैंकों के साथ में, NBFC के साथ में, इन सभी रुख को देखते हुए आप समझ सकते हो सरकार बहुत चिंतित है आम जनता के लिए, और सरकार आप सभी के लिए बहुत कुछ लेके आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और लोग परेशान होना बंद कर दे। दोस्तों हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, यदि आप परेशान होंगे तो फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको बता दें, वीडियो को आप यदि अर्लीवुड का ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो ये यहाँ से अलग अलग मेंबरशिप प्लान है, इसमें यहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद कोई दिक्कत परेशानी हो तो ईमेल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, सारा नंबर इधर दिया हुआ है। लेकिन जेन्युइनली हो तो टाइम पास मत करना, टाइम पास को कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये समझ में आ गई बात आपको। अच्छा एक और बात बता दें आपको, आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे जो RBI की जो पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ कहा गया है, और RBI इन्हीं सब चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट में दलील दे सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि सेटिस्फाइड हो जाता है RBI के इस दलील से, तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से RBI को और भारत सरकार RBI की जो पॉलिसी है ये वाली, इसमें कुछ चेंजेज कर सकती है। ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी में चेंजेज कर सकती है, बहुत बड़ी चेंजेज करने की संभावना दिख रही है। ये जो 10 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट से ये डॉक्यूमेंटेशन वाली संभावना जो है ये खत्म करने की संभावना मुझे जहां तक लग रहा है, जो लोग एक एक हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट देके ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।